नारा लगेगा और यहाँ नहीं पाकिस्तान में भी जय श्री गन्ना और राम का नारा। हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र का रहने वाला हूँ, राष्ट्र भगत हूँ और जय श्री राम कहने वाला हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं जेके खबर नौ, मैं हूँ पंकज शर्मा। मैं इस वक्त की बड़ी खबर गोरमेटा हाई सेकेंडरी स्कूल बनी की बताने जा रहा हूँ। बनी के हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर का मामला है कि एक छात्र ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जय श्री राम, उसी के बाद एक टीचर ने जोरदार से मारा उसको, बुरी बेरहमी से मारा उसको, और मारने के बाद उस व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। उसी के बाद उसको हॉस्पिटल बनी में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज चल रहा था और लोगों ने वहाँ पर और छात्रों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन, जोरदार धरना प्रदर्शन किया उस टीचर के खिलाफ। अगर व्यक्ति ने, हमारे साथी ने जय श्री राम लिखा तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया और कौन सा गलत अल्फाज यूज किए उसने। जय श्री राम लिखने से उनको क्या आपत्ति हुई, उन्होंने इसको मारा। आइए पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम लिखना। हमारे सनातन का नाम लेने मेरे सामने आए, मैं बंद कर रहा हूँ। भगवान का नाम है जय श्री राम और प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमें कोई नहीं ले सकता है। दूसरा, जिन्होंने हमारे बच्चे को मैं इन्होंने शूज चेंज किए, हमारा एक दिहाड़ीदार गरीब बंदा है जो दिहाड़ी लगाता है, वो उसके घर पे चार बेटियां हैं, वो अपने बच्चों के लिए, चार बेटियों के लिए शूज खरीदता है, कितने का, 750 रुपये का। इमीडिएटली 750 रुपये का बूट का ऑर्डर आ गया, हाफिज सर ने ऑर्डर निकाल दिया मार्केट में कि शूज़ जो है 450 वाला जो ब्लैक शूज़ है बंद किया जाएगा और 750 रुपये वाला वो शूज़ दिया है। ये कौन सा ऑर्डर है? क्या हाफिज प्रिंसिपल अपने लेवल पे ऑर्डर निकाल सकते हैं? पहली बात। दूसरा, जो गेट है, गेट जो स्कूल के लिए है, चाहे वो टेंपल के लिए जाता है, चाहे वो मस्जिद के लिए जाता है, कोई भी है, वो एक जो स्कूल के लिए पर्टिकुलर गेट है वो स्कूल के लिए निकाला जाए, और जो अगर कोई टेंपल है बीच में या मस्जिद है उसका गेट अलग होना चाहिए। यह मेरी डिमांड है और जय श्री राम का नारा है, जय श्री राम का नारा लगेगा और यहाँ नहीं पाकिस्तान में भी जय श्री गन्ना और राम का नारा। एक मिनट, मेरा फोन नहीं मार रहा चलेगा। क्लिक कर लो इसको, ब्याह करो कैमरे, टच पे ऊपर क्लिक करो, ब्याह करो। देखिए, आज एक प्रोटेस्ट था बच्चों के साथ, स्कूल में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे स्कूल्स हो गए, ये कॉलेजेस वगैरह हो गए, तो यहाँ पे टीचरों का राइट बनता है बच्चों को पढ़ाना, अच्छी जगह पहुंचाना, पढ़ा लिखा के ही बच्चों को आगे भेजा जाता है। अगर बच्चों ने बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मैं मीडिया पर्सन से, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बोर्ड पे किसी बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया, हम बुक्स में लिखते हैं, जब कोई स्टूडेंट होता है कोई, देखिए ये तो सीधा सीधा कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ को बताया जा रहा है कि अलग अलग, हिंदू मुसलमान, तो ये फिर टीचर्स ही करवा रहे हैं। मेरी नज़र में अगर जय श्री राम उन्होंने बोला, बच्चों ने अगर बोर्ड पे लिख दिया, तो बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है टीचर्स को। टीचर जो कोई फारूक जी हैं और जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो फारूक जी, डॉक्टर फारूक हैं, वो लेक्चरर हैं, एंड जो हाफिज हैं अपने प्रिंसिपल, उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से मारा, उठाया और प्रिंसिपल के रूम में जाके उसको लातों से मारा, आज बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं जम्मू दिल्ली जो वहाँ भी ये मीडिया का वाइड मेरा जाता है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चे स्कूलों में आते हैं तो आप बोलते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ समाज का एक बच्चा अगर हिंदू कम्युनिटी का था तो उसने अगर वहाँ पर लिख दिया जय श्री राम तो उसको मारना गलत था, क्यों मारा? ये मेरा क्वेश्चन था। पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, मैं राष्ट्रीय बहिरंग दल का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का,
तो मेरे साथ अप्रोच की, हमने बच्चों की सुनवाई, यही होता है भाई, हम धर्म के लिए लड़ते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम अपने सनातन की आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ गलत नहीं करते। हमारा नारा है, हमारे भगवान है जय श्री राम। तो अगर प्रभु श्री राम का नाम लेने से फांसी भी होती है तो प्रणव शर्मा चढ़ने के लिए तैयार है। ये तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, फिर हमारी यहाँ पे पूरी बिरादरी ने, यहाँ कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं था, यहाँ हर समाज का हर आदमी, हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा मार्केट बंद करके निकला है और आके धरना प्रदर्शन स्मूथली किया है उन्होंने, और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन बनी, स्पेशली एस डी एम साहब और हमारे जो SHO प्रेजिडेंट थे यहाँ पे, जो हमारे रियाज साहब, जो उनकी सब इंस्पेक्टर साहब जो थे इंचार्ज के मौके के SHO जो यहाँ पे थे, तो उन्होंने आके ये मसला सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि जो भी कल्प्रेट्स हैं उनके ऊपर 2 घंटे के अंदर अंदर FIR लगेगी, और उन बच्चों का बयान हो रहा है, अब बयान के ऊपर जो FIR बनती है कानून तरीके से, वो कानून तरीके की FIR उन बच्चों को दी जाएगी। मेरा एक और सभी से रिक्वेस्ट है, जो कहते हैं एक तरफ हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, मेरे को उनका मैसेज ये रहेगा, देखो हम सब पहले इंसान हैं, हिंदू मुसलमान अगर हैं, अगर कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, तो किसी के मजहब पे उंगली उठाने का किसी का अधिकार नहीं है। लिहाजा ये तो टारगेट हिंदू को किया गया कि हिंदू के लड़के ने जय श्री राम लिया तो उसको लातों से मारा जाएगा। तो मेरा उन शैतान लोग जो ये कर रहे हैं वो मेरी नज़र में शैतान हैं, और जो ये ना सोचे कि सनातन धर्म, सनातनी शांत होके बैठेगा, सनातनी मरते दम तक जय श्री राम बोलेगा। रही FIR-ों की बात, तो प्रणव शर्मा बोलता है FIR, अगर प्रणव शर्मा पर भी लगती है जय श्री राम नारा बोलने के लिए, तो प्रणव शर्मा पर भी लगे, लेकिन प्रणव शर्मा जय श्री राम का नारा फांसी चुमते चुमते मर रहे दम तक भी लगाएगा, क्योंकि हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र का रहने वाला हूँ, राष्ट्र भगत हूँ और जय श्री राम कहने वाला हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। अगर आपने अभी तक जय की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkikhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।